नमस्कार, आपके समक्ष में अलमा बुजुर्ग। बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको कुछ चित्र नजर आ रहे होंगे। बच्चों ये किसका चित्र है? देखिए बर्तन है। कौन से बर्तन है? चीनी मिट्टी के बर्तन है। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर भी तरह तरह के बर्तन आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ मिट्टी के, कुछ एल्युमिनियम के, कुछ लोहे के, और यहाँ पर भी देखिए बच्चों स्टील के बर्तन नजर आ रहे हैं। बच्चों यहाँ देखिए, कांसे के बर्तन आपको नजर आ रहे हैं। बच्चों यहाँ देखिए, मिट्टी के बर्तन, देखिए बहुत सारे मिट्टी के बर्तन नजर आ रहे हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, बर्तन बनाया जा रहा है। स्टील के बर्तन बनाने की मशीन है। यहाँ पर देखिए, बर्तन बनाया जा रहा है। स्टील के बर्तन बनाए जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, तांबे के बर्तन बनाए जा रहे हैं। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाया जा रहा है। बच्चों अभी हमने जो भी देखा, इसी से संबंधित आज का पाठ है। बच्चों आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है आओ बनाए बर्तन, मेकिंग पॉट। यहाँ देखिए बच्चों, आओ बनाए बर्तन, मेकिंग पॉट। आज हम इसका पार्ट वन पढ़ेंगे, तो चलिए हम पार्ट को शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, पार्ट के शुरुआत पे एक कहानी दिया गया है, चलिए हम पढ़ते हैं। एक थी चिड़िया, नाम था फुदबुदी। एक था कौवा, नाम था भनाते। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन भनाते ने कहा, अरे ओ फुदबुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, और अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना। कबूल, फुदबुदी बोली, कबूल। बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है, एक चिड़िया थी। बच्चों उसका नाम क्या था? फुदबुदी, गौरैया चिड़िया थी। और दूसरा और एक चिड़िया था बच्चों, वह था कौवा। उसका नाम क्या था? भनाते। बच्चों भनाते ने क्या कहा? फुदगुदी, अगर आप पहले अंडा दोगी तो आपके अंडे मैं खाऊंगा, अगर मैं पहले अंडा दूंगा तो आप मेरे अंडे खा लेना। फुदगुदी भी बोली, कबूल। आगे देखते हैं। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने अंडा दिया। भनाते बोला, दे दे अंडा, खाऊं अंडा, दे 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 दे। बच्चों कुछ दिनों बाद किसने अंडा दिया? फुदगुदी ने अंडा दिया, और भनाते खुश हो गया। भनाते ने क्या कहा? दे दे अंडा, अंडा खाने के लिए मंग रहा है। किससे? फुदगुदी से। आगे देखते हैं। फुदगुदी गई डर, बोली, ठीक भाई ठीक, पर पहले चोंच धो आओ नदी में। भनाते गया नदी तट पर, बोला, हे नदी। नदी बोली, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, नदी नदी पानी दे दे। बच्चों फुदगुदी डर गई, क्योंकि उसके अंडे भनाते खाने वाला था। फुदगुदी ने कहा, अंडे तो आप खाओगे, लेकिन उससे पहले नदी पर जाकर अपनी चोंच को धो लो। बच्चों भनाते कहाँ गया? भनाते नदी के पास गया। नदी से कहा, नदी मुझे पानी दे दे। और नदी ने क्या कहा? अब आगे हम देखेंगे। ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। भनाते खुशी से क्या बोल रहा है? ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच मैं धोऊंगा और अंडा मैं खाऊंगा। इसके बाद क्या होता है? नदी बोली, पानी भरेगा कैसे? कुल्हड़ तोला। भनाते गया कुम्हार के पास, बोला, रे कुम्हार। बच्चों नदी ने क्या कहा? नदी ने कहा, पानी भरने के लिए आपको कुल्हड़ चाहिए, बर्तन चाहिए, जाकर कुम्हार से बर्तन लेकर आओ। अब भनाते क्या करता है देखते हैं, पर उससे पहले हम इसी से संबंधित कुछ चित्र है उसे हम देखेंगे, और चित्र की सहायता से इसे और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चों यहाँ
गौरैया चिड़िया फुदगुदी। बच्चों यहाँ देखिए कौवा जिसका नाम है भनाते। बच्चों यहाँ देखिए दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों ने क्या कहा था, किस लिए कबूल कबूल कहा था, अगर भनाते पहले अंडा देगा तो फुदगुदी उसके अंडे खा जाएगी और फुदगुदी अगर पहले अंडा देगी तो भनाते उसके अंडे खा जाएगा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फुदगुदी ने अंडा दे दिया, अब कौन खाएगा अंडा, भनाते। लेकिन फुदगुदी ने भनाते से क्या कहा, नदी के पास जाओ और अपनी चोंच धो लो। अब देखिए भनाते ने नदी से क्या कहा, नदी नदी मुझे ठंडा पानी दे दो जिससे मैं क्या करूंगा, अपनी चोंच धोऊंगा। अब नदी ने क्या कहा, पहले कुम्हार के पास जाओ और कुल्हड़ लेकर आओ। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चों यहाँ देखिए आगे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। कुम्हार बोला, क्या भाई भनाते। भनाते बोला, मुझे एक कुल्हड़ दे दे। बच्चों भनाते कहाँ गया, कुम्हार के पास गया और क्या कहा, मुझे एक कुल्हड़ दे दो। कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर लाऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। भनाते क्या करा, गाने लगा। क्या गाने लगा, कुल्हड़ लेकर आऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर लाऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। उसके आगे देखते हैं। कुम्हार बोला, कुल्हड़ बने कैसे, पहले ला मिट्टी खदान से। भनाते गया मिट्टी की खदान पर। बच्चों कुम्हार ने क्या कहा, कुम्हार ने कहा, कुल्हड़ बर्तन कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको खदान के पास जाना है और मिट्टी लेकर आना है, किस लिए, बर्तन बनाने के लिए। आगे देखते हैं। भनाते गया मिट्टी की खदान पर, बोला, रे मिट्टी खदान। मिट्टी खदान बोला, क्या भाई भनाते। भनाते बोला, मिट्टी खदान मुझे मिट्टी दे दे। बच्चों भनाते अब कहाँ गया, मिट्टी की खदान पर, और वहाँ पर उसने कहा, मिट्टी खदान मुझे मिट्टी दे दे। तो आगे मिट्टी खदान क्या कहता है जानेंगे, लेकिन उससे पहले चित्रों की सहायता से इसे और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। बच्चों जो भनाते था उसे क्या चाहिए, बर्तन जिससे वह पानी भरकर अपनी चोंच धोए। बच्चों उसके बाद जो भनाते है वह कहाँ जाता है, खदान के पास, क्या करने के लिए, मिट्टी लेने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। देखिए फिर भनाते ने गाना शुरू कर दिया। उसने क्या गाया, मिट्टी लेकर आऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। देखिए भनाते कितने खुश है। आगे देखते हैं। मिट्टी खदान बोला, खोदे मिट्टी कैसे, पहले ला खुरपी लोहार से। भनाते गया लोहार के पास, बोला, रे लोहार। लोहार बोला, क्या भाई भनाते। भनाते बोला, लोहार मुझे एक खुरपी दे दे। बच्चों खदान ने क्या कहा, खदान ने कहा, मिट्टी कैसे खोदेंगे, पहले आप लोहार के पास जाओ और लोहार से खुरपी लेकर आओ और उस खुरपी की सहायता से मिट्टी खोदेंगे और फिर उसके बाद आप मिट्टी ले जाना। अब भनाते कहाँ गया, लोहार के पास गया और लोहार से उसने क्या मांगा, खुरपी मांगा। उसके बाद भनाते बहुत खुश हो गया, फिर से क्या करने लगा देखते हैं। बच्चों अब भनाते कहाँ जाता है, भनाते लोहार के पास जाता है क्योंकि खदान ने क्या कहा, खदान ने कहा मिट्टी खोदने के लिए खुरपी की आवश्यकता है और आपको लोहार के
पास जाकर खुरपी लेकर आना है। तो भनाते अब कहाँ गया? लोहार के पास गया और लोहार से उसने क्या मांगा? खुरपी मांगा। उसके बाद भनाते बहुत खुश हो गया और खुशी से वह क्या करने लगा, चलिए देखते हैं। खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। बच्चों भनाते इतना खुश हो गया, फिर से वह क्या करने लगा, गाना गाने लगा। कौन सा गाना? बच्चों देखिए यहाँ पर, खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। चलिए इससे संबंधित हम कुछ चित्र देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए खदान, क्योंकि खदान ने भनाते से कहा कि पहले आप लोहार के पास जाकर खुरपी लेकर आइए। यहाँ देखिए खुरपी, भनाते क्या लेने गया, खुरपी लेने गया। बच्चों उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। लोहार बोला, ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापिस याद से। लोहार ने प्यार से भनाते को खुरपी दे दी और क्या कहा, इसे वापस जरूर लेकर आना। अब भनाते को क्या मिल गया, खुरपी मिल गया। आगे देखते हैं बच्चों, खुरपी लेकर भनाते गया खदान पर, चिकनी मिट्टी खोदी और कुम्हार को दे दी। कुम्हार ने कुल्हड़ बनाया, कौवे ने उसमें पानी भरा और धोली अपनी चोंच, फिर दौड़ लगाई फुदगुदी का अंडा खाने को। बच्चों लोहार ने भनाते को खुरपी दे दिया। अब खुरपी से खदान के पास जाकर उसने क्या किया, मिट्टी खोदा। मिट्टी खोदने के बाद उसे कुम्हार को दे दिया और कुम्हार ने एक सुंदर सा बर्तन बनाकर भनाते को दे दिया। अब भनाते नदी के पास जाता है, नदी का पानी लेकर अपनी चोंच धोता है। उसके बाद वह भागकर फुदगुदी के अंडे खाने के लिए जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसी बीच फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूटकर चूजा बाहर आ गया था और बच्चा फुर हो गया था, भनाते कौवे की पहुंच से बहुत दूर। बच्चों अब तो इतना समय बीत गया था, इतने समय में फुदगुदी का जो अंडा था फूट गया था और फूटकर उससे छोटे छोटे चूजे निकल आए थे और चूजे भी अब बड़े होकर क्या हो गए थे, बच्चों उड़ गए थे भनाते की पहुंच से बहुत दूर। बच्चों अब हम इसी से संबंधित चित्र देखते हैं और हम इसे और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, खदान के पास जाकर भनाते ने क्या किया, खुरपी से मिट्टी खोदी और मिट्टी लेकर वो कहाँ गया, कुम्हार के पास गया। बच्चों कुम्हार ने एक सुंदर सा बर्तन बनाया, देखिए बर्तन, और यह बर्तन लेकर भनाते कहाँ गया, नदी के पास, क्या करने के लिए, अपनी चोंच धोने के लिए। बच्चों यहाँ देखिए भनाते किस प्रकार अपनी चोंच धो रहा है, बच्चों किस लिए, फुदगुदी के अंडे खाने के लिए, क्योंकि फुदगुदी ने कहा था पहले चोंच धोकर आओ उसके बाद ही मेरे अंडे खाना। और इस बीच क्या होता है बच्चों, इस बीच फुदगुदी के अंडों से छोटे छोटे चूजे निकल आते हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब तो समय इतना बीत गया था, ये चूजे बड़े हो गए थे और बड़े होने के बाद ये फुर्र करके उड़ गए थे, किससे दूर, भनाते से दूर, भनाते की पहुंच से दूर। बच्चों यह कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? बच्चों इसमें बताया गया है कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं इस कहानी के द्वारा, कैसे बच्चों, क्योंकि सबसे पहले भनाते कहाँ जाता है, कुम्हार के पास जाता है मिट्टी के बर्तन लेने के लिए। लेकिन उसके बाद कुम्हार उसे कहाँ भेजता है, मिट्टी की खदान में, मिट्टी की खदान में किस लिए, मिट्टी की खदान
खदान में मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि मिट्टी से ही वह बर्तन बनेगा। लेकिन मिट्टी की खुदाई कैसे करेंगे? खुरपी से। इसलिए भनाते कहाँ जाता है? लोहार के पास। और लोहार के पास जाने के बाद खुरपी लेकर आता है, मिट्टी खोदता है और मिट्टी को लेकर कुम्हार को देता है। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को अच्छे से पानी में गूंथता है। गूंथने के बाद अपनी चाक पर डालता है और चाक पर डालने के बाद एक सुंदर बर्तन बनाता है। किसका बर्तन? मिट्टी का बर्तन। बच्चों, हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, इसमें आप जानेंगे कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए कुम्हार क्या कर रहा है। यहाँ देखिए चाक है, चाक के ऊपर ये क्या है बच्चों? मिट्टी है। चाक कैसे गोल गोल घूम रहा है और इसके ऊपर मिट्टी रखा हुआ भी गोल गोल घूम रहा है। और कुम्हार देखिए अपने हाथों से कैसे इसे सुंदर आकृति में बदल रहा है। शायद आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये कितना सुंदर घड़े का आकार ले लिया है। और इसे और खूबसूरत बनाने के लिए उसके आकार को सुंदर बना रहा है, उसे चिकना कर रहा है। देखिए अपने हाथों से किस प्रकार उसे चिकना कर रहा है। देखिए अपनी उंगलियों की मदद से इसे स्मूथ बना रहा है, चिकना बना रहा है, जिससे यह घड़ा अधिक सुंदर दिखाई दे। देखिए आप भी इस प्रकार बना सकते हैं। लेकिन कुम्हार जिस प्रकार सुंदर से बनाता है, उस प्रकार हमारे हाथों से नहीं बनेगा। बच्चों, इसके बाद इसे धूप में रख दिया जाता है। यह धूप में अच्छी तरह सूख जाता है। उसके बाद इसे भट्टी में डाला जाता है। भट्टी में किस लिए डाला जाता है? भट्टी में इसलिए डाला जाता है ताकि यह आग की तपिश पाकर और अधिक मजबूत हो जाए। उसके बाद ही इसमें पानी या कुछ भी रखा जा सकता है। अगर हम गीले घड़े पर हम अगर पानी डालेंगे तो वह गल जाएगा, लेकिन भट्टी में सिका हुआ घड़ा बहुत मजबूत होता है। अगर हम इस पर पानी डालेंगे तो भी यह नहीं गलेगा, लेकिन पानी बहुत ही ठंडा रहेगा। आगे देखते हैं बच्चों, इसे से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। चलिए हम उनको देखते हैं, उनके उत्तर जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है, चलिए मैं इसे पढ़कर सुनाती हूँ। कौवे को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों, कौवा जिसका नाम भनाते था, उसे कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी? हमने कहानी में पढ़ा था कि भनाते को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी बच्चों? पानी भरने के लिए। हमें भी बर्तन की जरूरत क्यों पड़ती है? पानी भरने के लिए व अन्य सामान रखने के लिए। तो चलिए यहाँ पर उत्तर है, देखते हैं। कौवे को पानी भरने के लिए कुल्हड़ की जरूरत पड़ी, वह पानी से अपनी चोंच धोना चाहता था। बच्चों, गुदगुदी ने भनाते से कहा था वह अंडा तो खा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे क्या करना है? अपनी चोंच को धोकर आना है। क्योंकि हम भी क्या करते हैं बच्चों, जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले क्या करते हैं? अपने हाथों को अच्छे प्रकार से साबुन से धोते हैं, वह अपने मुंह को भी धोते हैं, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। यहाँ पर भी भनाते को अंडा खाना था, लेकिन उससे पहले क्या करना था? अपनी चोंच को पानी से धोना था। आप भी खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे प्रकार साबुन से धोइएगा। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। एक कुल्हड़ बनाने में किन किन लोगों ने कौवे की मदद की? बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? भनाते को कौवे को कुल्हड़ बनाने के लिए किन किन लोगों ने व किन किन चीजों ने मदद की? जैसे हमने कहानी में सुना था, कुम्हार ने मदद की, मिट्टी की खदान ने मदद की, खुरपी ने मदद की, और किसने मदद की बच्चों? नदी ने मदद की।
चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर। निम्न लोगों और चीजों ने कुल्हड़ बनाने में कौवे की मदद की। लोहार, खुरपी, मिट्टी, खदान और कुम्हार। बच्चों इन सभी ने भनाटे की मदद की। बच्चों लोहार ने कैसे मदद की? भनाटे को खुरपी देकर। और खुरपी ने कैसे मदद की? मिट्टी खोदकर। कहाँ से मिट्टी खोदकर? मिट्टी की खदान से। और मिट्टी खदान? बच्चों मिट्टी खदान ने भनाटे को मिट्टी दिया। और कुम्हार? और बच्चों कुम्हार ने क्या किया? कुम्हार ने उस मिट्टी से सुंदर कुल्हड़ बनाया, सुंदर बर्तन बनाया। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों देखिए अगला प्रश्न। कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को किस किस सामान की जरूरत पड़ी? बच्चों कुल्हड़ बनाने के लिए भनाटे को कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ी? आपने कहानी में यह भी सुना है। देखते हैं उत्तर। कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को मिट्टी तथा चाक की जरूरत पड़ी। बच्चों आपने छोटा सा वीडियो देखा था। वीडियो में कुम्हार ने कैसे मिट्टी का बर्तन बनाया था उसे देखा था। किस पर बनाया था? चाक पर। बच्चों चाक घूमती रहती है और उसके ऊपर मिट्टी को रखा जाता है। ऐसे मिट्टी को नहीं बच्चों, उसे पानी से गूंदकर स्मूथ मिट्टी को रखा जाता है और चाक के ऊपर यह घूमता रहता है और घूमते हुए मिट्टी को कुम्हार बहुत प्यार से उसे आकृति देता है। अगर घड़ा बनाना है तो घड़ा, वह अन्य कोई बर्तन बनाना है तो उस बर्तन की आकृति बनाता है, उसे उस पर ढालता है और उसके बाद उसे तेज धूप में क्या करता है? सुखाता है। सुखाने के बाद भट्टी में डालता है और भट्टी में डालने के बाद वह बर्तन क्या हो जाता है बच्चों? सख्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है और उसके बाद उस बर्तन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बच्चों, क्या तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन हैं? कौन कौन से? बच्चों आज भी हमारे घरों में मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। मिट्टी से बने कुछ सामान हमारे घरों पे पाए जाते हैं। जैसे मेरे घर पे तो गमला है बच्चों, और मिट्टी का सुंदर घड़ा भी है। किसी किसी के घर पे मैंने सुराही भी देखा है और किसी किसी के घर में मिट्टी से बहुत सुंदर सुंदर सजाने के लिए आकृतियां बनाई गई है। चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। हाँ, मेरे घर में मिट्टी के घड़े व गमले रखे हैं। बच्चों आप भी अपने घर में देखिएगा कि मिट्टी का कोई सामान है। बच्चों इसमें सुंदर पॉट भी होता है जिस पर हम फूल सजाते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए अगला प्रश्न। अगर तुम्हें कोई चिकनी मिट्टी दे तो क्या तुम कोई बर्तन बना पाओगे? बच्चों अगर तुम्हें कोई चिकनी मिट्टी दे दे तो क्या आप बर्तन बना पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि हम कुम्हार की तरह इतना सुंदर बर्तन नहीं बना पाएंगे। बच्चों हम कुम्हार की तरह सुंदर बर्तन तो नहीं बना सकते, लेकिन उससे मिलते जुलते कुछ ऐसे ही बर्तन बना सकते हैं। बच्चों आजकल खिलौने वाले क्ले भी मिलते हैं जिससे हम बहुत कुछ आकृतियां बनाते हैं। अब हमें अगर मिट्टी का सुंदर सा बर्तन बनाने को कहा जाए तो शायद हमसे नहीं बनेगा। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। नहीं, मैं मिट्टी से कोई बर्तन नहीं बना पाऊंगा। बच्चों मैंने एक बच्चे से पूछा था, उस बच्चे ने कहा था कि मैं मिट्टी से बहुत सुंदर बर्तन नहीं बना पाऊंगा। बच्चों कुम्हार तो बर्तन बनाता रहता है, इसलिए वह सुंदर बर्तन बना सकता है और उसके पास चाक भी होता है। चाक की मदद से वह सुंदर बर्तन बना सकता है, लेकिन हमारे पास तो चाक भी नहीं है तो हम सुंदर बर्तन नहीं बना सकते हैं। बच्चों आप भी कोशिश करिए बर्तन बनाने का। अगर कुछ बन जाए तो उसे इस्तेमाल करिएगा। बच्चों आज हमने आओ बनाए बर्तन मेकिंग पॉट का पार्ट 1 पढ़ा।
भाग वन पढ़ा। बच्चों इसमें हमने मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में जाना, वह एक सुंदर सा कहानी भी पढ़ा। कहानी किसका? दो पक्षियों का, एक तो कौवा और दूसरा गौरैया, और दोनों के बीच में क्या क्या बात होती है उसके बारे में जाना। और इसी कहानी के दौरान हमें मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं उसके बारे में जाना। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।